ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड क्या बताता है आपको यहाँ पे देखो। देखो बेटा प्लस वन में किसी का कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ट्वेल्थ को बड़े अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग समझते हैं फिजिक्स बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ फिजिक्स बहुत ईजी है। इसको स्टार्टिंग से ध्यान से हर एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलते रहिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप बस मेरे पर विश्वास रखिए। ओके बेटा, देखो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका नाम क्या, इस किस दो वर्ड से मिलके बना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मींस एट रेस्ट, मतलब हम इस यूनिट में जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या रहेगा आपका चार्ज, किस में रहेगा आपका, रेस्ट में। जितने भी फिनोमिना, जितने भी कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे उसमें चार्ज हमेशा किस में रहेगा आपका, रेस्ट में। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले कंसेप्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज आप सोच रहे होंगे चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, तो बहुत बड़ी समस्या लग रही होगी आप लोगों को। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो चार्ज होता क्या है। ठीक है, इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। अब ये इंट्रेंसिक वर्ड क्या बता रहा है, इसके अंदर बड़ा एक राज छुपा हुआ है। ये राज क्या कहते हैं भाई, कि वी कैन नॉट डू रिसर्च व्हाट इज इट, मतलब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी कब हुई थी। बट एनसीईआरटी में जस्ट लिखा हुआ है कि अजम्पशन है वो कि अबाउट 600 BC एक अंबर नाम के सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, जिसको हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन माना था वहां पे। ठीक है, तो आपके पास अबाउट 600 BC एक अंबर नाम के सब्सटेंस से जो मानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या हुई थी, आपकी डिस्कवरी हुई थी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली मैंने क्या बताया, इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रेंसिक वर्ड क्या बताता है बेटा आपको यहाँ पे, कि वी कैन नॉट डू रिसर्च व्हाट इज इट, मतलब हम इसकी कब इसकी डिस्कवरी हुई, कब आया ये, हमें इसके बारे में, इसके एक्चुअल में इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ठीक है बेटा, अब देखो बेसिकली जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये और क्या मीनिंग देता है हमें। जब हमने प्लस टेंथ पढ़ी तो हमने पढ़े टू टाइप ऑफ चार्जेस। हम कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव में हम कहते हैं रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में कहते हैं अट्रैक्शन होता है। देखो जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी के कारण चार्जेस रिपेल कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल विद ईच अदर। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें अभी समझा रही थी बेटा आप लोगों को, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल विद ईच अदर। आपने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं कहती हूँ जिस प्रॉपर्टी के कारण चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड ए चार्ज। क्लियर, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ ए चार्ज, यूनिट ऑफ ए चार्ज, यूनिट
चार्ज। हम दो सिस्टम में जनरली हम लोग यूनिट की बात करते हैं, एक एसआई सिस्टम, एक आपका सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में चार्ज यूनिट होती कूलाम, और जिसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में होती है स्टेट कूलाम, ठीक है। अब हम इसको हम ईएसयू भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, लिख दो ना मैडम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। हम दो सिस्टम में चार्ज यूनिट पढ़ते हैं, एक एसआई सिस्टम में और एक आपका सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में चार्ज यूनिट होती है कूलाम, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम के, स्टेट कूलाम। 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 3×10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके बेटा, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी हम डिफाइन करते हैं, वो भी सीजीएस सिस्टम में ही होता है। इन सीजीएस सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इन सीजीएस सिस्टम वो कितने के बराबर होती है आपकी, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये यूनिट थी आपकी किसकी, चार्ज की। समझ आ गया होगा सबको। देखो बेटा नेक्स्ट आता मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। हम बेसिकली 3 मेथड की बात करेंगे, देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। एक होता है आपका फ्रिक्शन, एक होता है आपका कंडक्शन, और एक होता है बेटा आपका इंडक्शन। आज हम इन तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों मेथड क्या होते हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कि किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को हम कैसे चार्ज कर देंगे। चार्जिंग वर्ड क्या बता रहा है, किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। अब टर्न बाई टर्न हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्रिक्शन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, ठीक है। आप फ्रिक्शन कैसे करेंगे, आप चार्जिंग मेथड पढ़ रहे हैं बाय द फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। अरे भाई ऐसे लिख लो कि हम लोग ऊपर दिख रहे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब दिख रहा होगा ना सबको। एकदम जी ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रही भाई, साफ साफ लिख रही हो, ओके बेटा। अब दिखने के लिए देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, अब इसे समझना है, देखो लिखने में मुझे ये फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। हमारे हाथ ठंडे होते हैं तो सर्दी में क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन कर रहे हैं एक तरीके से। इसी तरह चार्जिंग का मेथड क्या है, किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे कर रहे हैं। अनचार्ज्ड मतलब जिसमें पहले चार्ज कैसे जीरो है। अब जैसे मैंने क्या कहा, मान लिया आपने कोई बॉडी ले ली है, ठीक है, ए बॉडी ले ली, ये कोई बी बॉडी ले ली,
कोई मुझे नहीं पता बेटा अभी से इनका नाम क्या है, ठीक है, क्लियर। जब हम इनको रब करेंगे, रब करने से पहले, जब तक हमने इनको रब नहीं करा है, बिफोर फ्रिक्शन ये कंडीशन है इनकी, बिफोर फ्रिक्शन। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज ए पे भी जीरो है और नेट चार्ज जो है वो बी पे भी क्या है बेटा आपका जीरो है, ठीक है। आफ्टर फ्रिक्शन जब हमने रब करा, रबिंग मेथड ही बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, बाई रबिंग मेथड। तो रब करेंगे तो इसके एक रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मान लिया कि ए पे कैसा आ गया, पॉजिटिव, और बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने अभी मैं समझाऊंगी वैसे कि ए पे पॉजिटिव क्यों आया और बी पे नेगेटिव, रीजन क्या है इस चीज को, ये बाद में बात करेंगे। पहले मैंने सिर्फ इतना समझाया कि फ्रिक्शन या रबिंग का मतलब क्या है, कि जब हम इनको रब करेंगे तो क्या होगा कि एक बॉडी पे चार्ज कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरी पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण। तो देखो पहले इन दोनों पे चार्ज कैसा था, जीरो था, अब इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा आ गया बेटा आपका, नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए, अब मान लिया आप जो जनरली एग्जांपल्स आप पढ़ते हो, जो यूज करते हो, वो आपके ग्लास रोड, एबोनाइट रोड, फार, इस तरह के एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे। तो मान लिया ए जो है वो क्या आपकी ग्लास रोड, अभी जो भी बताऊंगी कैसे, और बी मान लिया अभी आपका एबोनाइट रोड या सिल्क रोड कह दो, सिल्क रोड, ठीक है। जब हम लोग ग्लास रोड को सिल्क रोड के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। अब आप कहोगे कि मैडम इस पे ही पॉजिटिव क्यों आया और इस पे ही नेगेटिव क्यों आया, अब पॉजिटिव भी तो इसका पॉसिबल था ना, बिल्कुल पॉसिबल था। पर देखिए बेटा ऐसा क्यों होता है, ये कब होता है आपके पास, जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो देगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो लेगा उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। या आप ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ग्लास रोड का के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिल्क के कंपेरिजन में लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ट्रांसफर कर देगा। इसलिए ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में वर्क फंक्शन भी कह देते हैं, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी, कि वो एनर्जी जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी लिख लो, स्पेशल मेटल मत लिखो, कोई भी बॉडी है उसके लिए, ठीक है। तो देखो वर्क फंक्शन की फॉर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन था ग्लास रोड का, द वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास, इस क्वेश्चन के अंदर इन दिस, लिख लो एक बार, देखो जल्दी लिखो, ठीक है। देखो लिख लिया ना बेटा, तो देखो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इधर कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास क्या है, लेस है किससे, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क, या मैं कह दूं कि इन ग्लास, इसी बात को मैं ऐसे कह सकती हूं, इन ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड as compared to the silk road, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड होते हैं as compared to the
सिल्क रोड। इसलिए जब हम रब करेंगे तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। पर बेटा ये जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्लास रोड पे हमेशा पॉजिटिव आएगा या सिल्क पे हमेशा कैसा आएगा आपका नेगेटिव। इसके लिए मैं अभी आपको एक सीरीज बता रही हूँ, उस सीरीज को थोड़ा ध्यान रख लेना, उसके अकॉर्डिंग आता है आपके पास कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। ठीक है, देखिए बेटा ये आपकी एक इलेक्ट्रिक सीरीज है जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हैं किस पे चार्ज पॉजिटिव आता है और किस पे चार्ज क्या आता आपका नेगेटिव। जैसे फर, फलन, ग्लास, परसेप्स, कॉटन, सिल्क, लेदर, वुड, वैक्स, अंबर, पॉलिथीन, प्लास्टिक और पीवीसी। ठीक है, अब देखो मैं कहती ना कि ग्लास रोड पे हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमेशा कैसा है पॉजिटिव। मैं यहाँ से बताती हूँ चीज को, देखो ग्लास रोड को अगर सिल्क के साथ रब करते हो, मैंने ये एग्जांपल लिया था ना अभी आपके सामने, ये रहा ग्लास रोड आपका, ये रहा सिल्क, तो मैंने कहा ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव और सिल्क पे कैसा आएगा आपका नेगेटिव। तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लूजली बाउंड एज कम्पेयर टू सिल्क। वहीं अगर मैं ग्लास को फनल या फर के साथ करूँ, अगर मैं ग्लास को फलन के साथ करती हूँ, अगर मैं ग्लास रोड को किसके लिए ग्लास रोड है, अगर मैं इसको फनल के साथ करती हूँ, ठीक है, तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और फनल पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये बात समझ आई कि किस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर, ये शायद समझ आ गया होगा आप सबको अच्छे से कि मैं कह रही हूँ कि फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है और किस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, या किस में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होगा, जो रब करेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली दे देगा, तो जो देगा उस पर चार्ज पॉजिटिव और जो लेगा उस पर चार्ज नेगेटिव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सीरीज देखो, इस सीरीज की ट्रिक बना देते हैं। फादर फादर जेपी अंकल, फादर फादर जेपी अंकल, अंकल को ऊपर वैसे लिख लो समझने के लिए, कल शाम, सी मतलब कल, एस मतलब शाम, फादर फादर जेपी अंकल कल शाम लाने वाले वाले आम प्रिय प्रिय थे। बस एक याद करने की सीरीज है बेटा, फिर से बता देती हूँ। फादर फादर जेपी अंकल द्वारा लाने, कल जेपी अंकल द्वारा कल शाम, जेपी अंकल द्वारा कल शाम लाने वाले वाले आम प्रिय प्रिय थे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सीरीज को जस्ट क्या कर सकते हो, आप लोग याद रख सकते हो। मैं लिख दूं इसको, फादर फादर जेपी अंकल, अंकल को साइड में लिख लो, द्वारा कल श्याम लाने लाने वाले वाले आम प्रिय 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 थे। प्रिय तीन बार, प्रिय 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 थे। बस याद करें एक ट्रिक, आप किसी भी तरीके से याद रखते तो मैंने ये सही लगा तो मैंने ये ट्रिक बना दी। ओके बेटा, देखो अब ये सीरीज में, इस सीरीज में से मैं कुछ और निकाल लेते जो जनरली हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। एक और टेबल बनाती हूँ मैं इसी के लिए जो जनरली हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सीरीज होती है आपकी, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज की सीरीज लिख रही हूँ, एक बार क्या लिख रही हूँ मैं नेगेटिव चार्ज वाली बोर्ड। ठीक है, ग्लास, ड्राई हेयर, फर, वुल, सिल्क, टेफ्लोन, एबोनाइट, प्लास्टिक, ये एक सीरीज है जो जनरली हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। ठीक है, बस उसको हम लोग बस याद रखने के लिए, कितनी लंबी सीरीज को पीछे वाले को ना भी याद रख सके तो हम इसको याद रख लें। ठीक है, जैसे ग्लास रोड है उसको सिल्क के साथ रब करोगे तो हमेशा उस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसी तरह ड्राई हेयर
और इनमें इन सब पे कैसा चार्ज आएगा, इनके साथ पॉजिटिव, और इन सब पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव। ड्राइवर इसके साथ कैसा आ जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। एबोनाइट के साथ करेंगे तो एबोनाइट पे नेगेटिव, फर पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, सिमिलरली नीचे। ठीक है, इसको देखो, इस सीरीज को आप कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो, जी डी फाउंड वायर, जी डी फाउंड वायर, जी डी फाउंड वायर, एक ट्रिक बन गई ना, याद रह जाएगा। जी मतलब ग्लास, डी मतलब ड्राई, एयर मतलब फार, डब्ल्यू मतलब वायर, वायर मतलब वूल, स्टेप सिल्क टेफ्लॉन एबोनाइट प्लास्टिक। ठीक है, या एस नाम से तुम्हारे किसी भी टीचर का नाम है उससे आप याद रख सकते हो, मजाक के लिए बात कर लेते हैं। जैसे तुम्हारी सरिता टीचर इंग्लिश पटर पटर करके पढ़ाती है, या वैसे याद रख लो स्टेप से, जस्ट जोकिंग। ठीक है बेटा, आगे देखना, तो आप ये बस ध्यान रख लेना ये सीरीज की, किस पे पॉजिटिव कब आएगा, किस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव। ये था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे हमारी प्रॉपर्टी है एक चार्ज की, मैं वो यही डिस्कस कर रही हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इसी के अंदर डिस्कस कर रही हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी एक ही बता रही हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या नाम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से ही हमें समझ आती है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ही, इसी पे बेस्ड है, यहीं पे ही डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं हेडिंग टॉपिक का नाम डाल रही हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिए क्या कहना चाह रहा है बेटा आपसे। देखो क्वांटाइजेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस एनी। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से पहले डिफाइन करूं तो इसको क्या लिखोगे, एनी। ठीक है, अभी इस आया कहां से, क्या था, तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड क्या बताता है, ये क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस करता है। क्वांटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ज विच इज अवेलेबल इंडिपेंडेंटली, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज अवेलेबल इंडिपेंडेंटली। ठीक है, या विच इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, that can exist independently, that can exist independently, मतलब quantum form के अंदर charge क्या करेगा आपका, exist करेगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे, इस तरीके, देखो अब ये आया कहाँ से, इसी चीज को हम discuss करते हैं। ये तो आप कहोगे मैडम जी आपने तो ऐसे ही लिख दिया, ये तो हमें समझ नहीं आया। अब आएगा, देखो कैसे आएगा, देखो जब मैंने कहा ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ रब करेंगे, ये आपने ग्लास रोड ले ली, ये आपने सिल्क की रोड ली, मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अभी समझाया, तो इनको रब करा, तो देखो बेटा इसके ऊपर जितना पॉजिटिव आया, इस पे जितना पॉजिटिव आया ग्लास पे, सिल्क पे उतना ही तो नेगेटिव आया ना। अब मैं पूछू इस पे पॉजिटिव कितना आया, तो इस क्यू चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए, पांच ना, तो 5, n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5, और इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई ना, इसे क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जितने पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या बना ये 5 ही माइनस का, क्योंकि अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी माइनस 5, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी प्लस 5, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं क्या लिखूंगी, प्लस माइनस 5 e। इन जर्नल लिखूं, मान लिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने ट्रांसफर हुए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए आपके ट्रांसफर हुए, उसके लिए क्या लिख देते, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी, चार्ज क्या ट्रांसफरेबल होता है, कि चार्ज क्या होता है आपका ट्रांसफरेबल होता है। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ आ गया सभी बच्चों को, क्लियर बेटा, तो देखिए अब ये भी कभी भी देखना, ये n की वैल्यू जो है ना बेटा, n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2,
प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी 1, 2, 3 की फॉर्म में तो होगी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी इस तरीके से। n can neither be exist in quantization condition in fractional form, it is always exist in integer form. n की वैल्यू हमेशा किसकी फॉर्म में होगी, इंटीजर में। क्यों होगी मैडम जी? देखिए होगी भाई, क्यों होगी? तुम किसी के घर जाओगे तो कैसे जाओगे? पूरे चल के ही जाओगे ना, ऐसे तो नहीं जाओगे ना कि तुम्हारे पाँव चल के चले जाए, तुम अपने हाथों को घर रख के चले जाओ, ऐसा होगा? नहीं होगा ना, पॉसिबल। तो देखिए ऐसे ही, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही जाएगा ना यहाँ पे क्वांटाइजेशन कंडीशन में, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फिजिक्स में, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ चला जाएगा। ओके बेटा, इसलिए कभी भी ऐसा तो नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए आधा यहाँ, तो एन का नंबर आधा हो जाएगा आधा जाएगा, तो और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। इसलिए एन की वैल्यू हमेशा किसकी फॉर्म में होगी यहाँ पे? इंटीजर फॉर्म में। इसे ही क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज एग्जिस्ट इन क्वांटम स्टेट ओनली, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट क्वांटाइज फॉर्म, ठीक है। इंटीजर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसे ही क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैं ये कहूँ, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपसे कहूँ इज 0.8 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज एग्जिस्ट, बताओ क्या इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा? बताइए आप, बताइए 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 भाइयों बताइयो, अरे भाइयों बहनों बता दो, नहीं बताओगे? चलो मैं बताती हूँ, देखो कैसे होगा। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × −19, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि n की वैल्यू तो फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, 1/2, 1/3, 5/6, 6/5, 6/5, मतलब कितना 5/6, इस तरीके की तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना फ्रैक्शन फॉर्म में ये वैल्यू, ठीक है। इसलिए तो देखो ये तो इसका मतलब तो क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आधा हो गया, तो मतलब E/2 चार्ज हो गया, और इसका मतलब चार्ज किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया ना n की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन का आधे फॉर्म में हो गया ना ये। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? E × 1/2 बन गया। इसलिए दिस चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, याद रखना, दिस चार्ज नॉट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, ठीक है गाइस। आगे देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, या कॉज क्या है? पहले कॉज की बात करते हैं। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कॉज की बात करते हैं। कॉज क्या है बेटा आपका? जब हम रब करते हैं, क्या कैसे लिखोगे? ड्यूरिंग द रबिंग, जब हम लोग रब करते हैं इसको, तो ओनली ड्यूरिंग द रबिंग ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, दैट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्या लिखोगे लैंग्वेज में? ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है, अब कहाँ वैलिड है और कहाँ वैलिड नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, it is not valid at macroscopic level, it is valid only microscopic level, it is not valid at macroscopic level, because क्यों? देखो मैक्रो पे क्यों वैलिड नहीं है? मैक्रो पे n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, सपोज इंफिनिटी, तो e बहुत कम हो जाता है, e become very very small, ठीक है। तो इसलिए चार्ज उस सिचुएशन में चार्ज कैसे ट्रीट करता है? जैसे कंटिन्यूस चार्ज की फॉर्म में ट्रीट करने लग जाता है, ठीक है।
सम ऑफ चार्ज की फॉर्म में, जैसे मैं यहाँ तो 1+2+3 की फॉर्म में लिख दूँ माइक्रो में तो, लेकिन एक कंटिन्यूस फॉर्म में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिकेट की बॉल है उसमें आप चार्ज को कभी काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन फॉर्म में हो गया, डेंसिटी की फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड नहीं है। आप क्या लिखेंगे, बिकॉज एन बिकम वेरी लार्ज देन ई बिकम वेरी स्मॉल, सो इट इज नॉट वैलिड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। नेक्स्ट देखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स देखिए, न्यूमेरिकल्स जैसे आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा क्यू इज इक्वल टू एनी, जैसे सिंपल कहे हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, तो क्यू कितना दे दिया बेटा आपको 1 कूलम, एन आपसे पूछा है, ई कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, एन की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा क्यू बाई ई, तो Q कितना है आपके पास 1, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, N की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक तो आपको इस टाइप के सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, एक आपका सेकंड टाइप देखिए, इसी के सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स, अगर मैं कहूँ फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, एक कप पानी में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो देखो बेटा, जब ऐसे क्वेश्चंस बन जाए, या मैं एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ, इफ गिवन कॉपर पैनी 3 ग्राम की लिख देती हूँ, कोई कॉपर पैनी, पैनी मतलब सिक्का, ठीक है, कोई कॉपर का सिक्का 3 ग्राम का आपके पास, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपके पास, एटॉमिक वेट दे रखा है इसका 63.5, इसका जो एटॉमिक वेट है वो 63.5 है, ठीक है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास दे रखा है आपको, एटॉमिक मास कितना है 63.5, और एटॉमिक नंबर वो दे रखा है 29, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अब आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉपर पैन, चार्ज कितना टोटल चार्ज है इसके ऊपर, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ये दो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे दिए आपको, तो कैसे करेंगे, देखो देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। देखो 3 ग्राम की कॉपर पैन ही है, तो आप कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू, क्यों क्या होता है n ही ना, लेकिन अभी तो हमें n ही नहीं पता यहाँ पे, तो जब ऐसे क्वेश्चन में वो कह दे कि ग्राम, इतने ग्राम में, इतने ग्राम वर्ड की जब वो बात कर ले, तब कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाई एटॉमिक वेट दे रखा, तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय गिवन, जितने ग्राम में आपसे पूछा है, ठीक है, एन एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10³³, एटॉमिक वेट कितना है आपका, एटॉमिक वेट 63.5, ठीक है, और आपके पास ग्राम, कितने ग्राम में पूछ रहा है, 3 ग्राम के अंदर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से n मिल जाएगा, मान लिया कि ये आपके पास 0. ये बेटा लगभग 3.11 लिख लो, क्वेश्चन में इतना ही था, तो ये 3.11 लिख लोगे तो ये आ जाएगा 0.295 × 10³³ के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, सोल्व कर लेना, मैंने ऐसे अंदाजे से लिख दिया, शायद लगभग इतना आ जाए, तो एन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब पूछा क्या चार्ज, देखो कॉपर पैनी के एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं आपके पास, नंबर तो प्रोटॉन कितना
होंगे 29 ना कॉपर के अंदर एटॉमिक नंबर में, और 29 में कितने हो जाएंगे एनडेस, ये एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो 29 में कितने हो जाएंगे, 29 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.295 10^23 10^23 ये आया आपका जीरो, दिख रहा है आपको उधर बेटा, दिख रहा होगा ना, इधर से हटा देती हूँ, ये दिख गया, ये लिख लिया सब, समझ आ गया। तो एंडस एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 29 में कितने हो जाएंगे, 29 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जैसे कह दूं कि 10 पेन का, एक पेन का मूल्य 4 रुपया है, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 20, तो उससे मल्टीप्लाई तो करते हैं ना, तो लाइक दैट एंडस निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, चार्ज, ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा एंडस इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एंडस की वैल्यू 29 0.295 10^23 × 1.6 10^-19। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे आप, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 8.56 10^23। अब जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। एक आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बाय फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे ही, ये देखिए हाउ मेनी पॉजिटिव नेगेटिव इन द कप ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर मतलब H2O हो गया ना, H2O मॉलिक्यूल, इसके अंदर एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एटॉमिक वेट सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा आपका 18, तो वही एन निकाल लो, और एक का वाटर का जो वेट बेटा हम अज्यूम करते हैं वो कितना होता है लगभग हमेशा 250 ग्राम। बस आप खोल के क्वेश्चन सोल्व, एंड एज एवोगाड्रो नंबर 6.023 10^23 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 250 आ जाएगा। अब देखो वाटर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, H2 मतलब हाइड्रोजन में एक होता है ना, तो दो हाइड्रोजन तो दो हो गए, ऑक्सीजन में एक कितने हो गए 10 प्रोटॉन, कितने हो गए 10 प्रोटॉन। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एनडेस कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 10 × एनडेस। इसको यहां से मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी एनडेस की, ये मान लिया बेटा आपके पास लगभग, मैं अंदाजे से बता देती हूँ आपको, ये सपोज ये आपके पास 8 कुछ समथिंग कुछ आ गया, मैंने सोल्व नहीं करा है भाई अभी, मैं जस्ट ऐसे लिख रही हूँ कि n की वैल्यू कितनी आ गई 8 × 10^37 सपोज, जस्ट नहीं पता बेटा मैंने सोल्व नहीं करा, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो अब क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा n × e, इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से क्या कर दोगे आप लोग मल्टीप्लाई, बेटा इसको सोल्व कर लेना मैंने सोल्व नहीं करा अभी, ठीक है समझ आ गया। तो ये आपका क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ऐसे बनते हैं आपके कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इजी होते हैं बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होते। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि एक बॉडी है उसको रब करा, तो उस बॉडी पे चार्ज था 3 × 10^-6 कूलम, या मैं कह सकती हूँ 3 μC। ये मानी ग्लास रोड थी, इसको हमने सिल्क के साथ रब करा, ठीक है, ये ग्लास रोड है इसको सिल्क के साथ रब करा, तो वो कहता है कि ग्लास रोड पे चार्ज इतना है, तो बताइए सिल्क पे कितना होगा। तो देखो जितना ग्लास चार्ज ग्लास पे होगा उतना ही क्या होगा सिल्क पे होगा 3 × 10^-6, पर ये कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव, जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना इस पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है समझ आ गया। तो आपके इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी एक बार कई बार मास भी पूछ लेते हैं, वो भी देख लो कि पूछेगा कितना मास ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब देखो याद रखना, जब भी हम बॉडीज को रब करते हैं तो मास भी ट्रांसफर हो जाता है, मास चेंज हो जाता है, जो पॉजिटिव जो चार्ज देगा मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास क्या हो जाएगा डिक्रीज, उसका मास क्या हो जाएगा डिक्रीज, और जो नेगेटिवली चार्ज मास को लेगा उसका मास क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज।
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का ऑलवेज मोस्ट डिक्रीज मास डिक्रीज हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ऑलवेज क्या हो जाएगा इंक्रीज, मतलब मास भी ड्यूरिंग द फ्रिक्शन रबिंग क्या हो जाता है आपका चेंज। जो बॉडी देगी उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी लेगी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो आपसे मान लीजिए पूछे कितना मास ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो देखो एक एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं जैसे क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, एन निकाल लोगे, मान लीजिए चार्ज दे रखा आपको इतना, ठीक है, या इतना जो भी ले रखा है, 3 × 10⁻⁶ एन, ई इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो एन कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁶ 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको 4 लिख लेती हूँ, इजिली कट जाएगा, इसको मैं 4 लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बस इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 4 × 10⁻¹⁹, तो एन कितना हो गया, इसको पॉइंट को ऊपर ले जाओ, तो 4 × 10⁻¹⁵ + 19, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से 0.25 × 10⁻¹⁹ में से 5 गए प्लस का 14, ठीक है, तो आपके पास n इतना आ गया, ठीक है। अब इसको n को आप ऐसे लिख सकते हो 25 / 100 × 10⁻¹⁴, दो जीरो से दो जीरो, 25 × 10⁻¹⁰, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.5, बस इतना लिख लो, ठीक है, n आ गया। अब वो कहेंगे कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो एक जितना n होगा उतना तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो कहेगा मान लीजिए इतना कितना मास ट्रांसफर हो गया, ग्लास ओर से सिल्क पे कितना मास ट्रांसफर हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम मास ट्रांसफर, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए 25 × 10⁻¹⁛, तो इतना मास क्या हो जाएगा ट्रांसफर। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, फिर से देख लो बेटा, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मास ट्रांसफर गए 25, तो 25 से क्या कर दोगे इसको 12, ठीक है, जैसे एक पेन का मूल्य इतना, तो चार पेन का मूल्य आप निकाल लेते हो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना गया, कितने इलेक्ट्रॉन गए 25, तो 25 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो आपके इस तरीके की क्वेश्चन क्वांटाइजेशन उपचार से आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन।